खबर सुल्तानपुर से है, जहां आज कुटवाल थाना क्षेत्र में सोते समय हुई मौत एक दर्दनाक मौत। मिट्टी की बनी कच्ची दीवार अचानक भरभरा कर गिर पड़ी, जिसमें 8 साल की मासूम की दबकर दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से पूरे परिवार में कोहराम मच गया। काश इस गरीब को मिला होता पीएम आवास। बताते चलें कि पूरा मामला कुटवाल थाना क्षेत्र का है, जहां इस बार हो रही मूसलाधार बरसात से जहां एक तरफ पानी ही पानी है, और इस बरसात ने तो सरकार के दावों की पोल खोल कर रख दी। जहां उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में एक गरीब परिवार को अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला था, इस बीच कुदरत का कहर बारिश बनकर इस कदर बरपा कि उस गरीब की कच्ची दीवार ढह गई। दुर्भाग्य से हुआ ये कि घर में सो रही 8 साल की मासूम की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम छा गया है। तो वहीं मिली जानकारी के अनुसार घटना जिले के कुटवार ब्लॉक अंतर्गत शादीपुर गांव की है, जहां गांव के निवासी रामकरण प्रजापति के घर गरीबी के बावजूद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। शनिवार को रोज की तरह परिवार खा पी कर सो गया, लेकिन रामकरण को क्या पता था कि सुबह परिवार में कोहराम मचा होगा। सुबह करीब 5:30 बजे के आसपास उसके मकान की कच्ची दीवार जोरदार बारिश के चलते गिर गई। हुआ ये कि जहां पर दीवार गिरी, वहीं रामकरण का 8 वर्षीय पुत्र एम सो रहा था। दीवार गिरते ही एम मलबे में दब गया। परिजन और आस पड़ोस के लोग जब तक उसे बचाने की जुगत करते, तब तक नन्ही सी जान जिंदगी को अलविदा कह चुकी थी। उसकी मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अब ले देकर रामकरण की एक बेटी है। सुल्तानपुर से संतोष पांडे की रिपोर्ट।